डियर स्टूडेंट पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट पावर्टी को सोशल साइंटिस्ट के द्वारा किस तरह से देखा जाता है uh, वो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताया जाएगा और सिंस पावर्टी हैज मैनी फैक्ट्स मैनी कई पहलू हैं पावर्टी के सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रो ए वायटी ऑफ द इंडिकेटर्स और सोशल साइंटिस्ट जो हैं इसको कई इंडिकेटर के माध्यम से इसको देखते हैं यूजअली द इंडिकेटर यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ द इनकम्स एंड कंजम्पशन प्राय जो है यूजली इंडिकेटर जो सोशल साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं दे आर रिलेटेड टू द लेवल ऑफ़ द इनकम एंड कंजम्पशन वो इनकम के लेवल्स और कंजन को देख के uh, से संबंधित होते हैं बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रो अदर सोशल इंडिकेटर लेकिन अब जो है पॉवर्टी दूसरे इंडिकेटर के माध्यम से भी बताई जाती है जैसे कि लेवल्स इफ द पर्सन इज इिटरेट ही कंसिडर द पुअर वन लेक ऑफ द जनरल रजिस्टेंस पावर्स ड्यू टू द मेल न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन की वजह कुपोषण की वजह से जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी कमी लेक ऑफ द असिस्टू हेल्थ केयर्स हेल्थ केयर तक पहुँचना होना लेक ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी होना लेक ऑफ असिस्ट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पानी साफ पानी तक पहुँचना होना सैनिटिसन एट्सेट्रा दी जाता सोशल दी जाता इंडिकेटर्स यूज टू रिलेट टू द पावर्टी एनालिसिस ऑफ द पॉवर्टी बेस्ड ऑन द सोशल एक्लूशंस एंड वलनरेबलिटी इज नाओ बिकमिंग वेरी कॉमन जो एनालिसिस पॉवर्टी का किया गया है वो सामाजिक बहिष्कार एंड वलनरेबिलिटी जो उनको परेशानी है सफर कर रहे हैं पूर्व लोग वो बहुत कॉमन है फर्स्ट सोशल एक्सक्लूसंस एज पर द कॉन्सेप्ट परिकल्पना के अनुसार पवर्टी मस्ट भी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर पॉवर्टी को जो है दैट इज डायरेक्टली लिंक विद द पुअर पुअर से संबंधित हैं दोज हैविंग्स टू लीव ओनली इन पुअर जो पुअर लोग जो हैं जो एक पुअर सराउंडिंग में रहते हैं वेर नो फैसिलिटीज इज देयर they are they lives with the poor peoples they are excluded from enjoying social equality of the better of peoples in better surrounding वो बेटर सराउंड में जो of ऑफ पीपल उनके साथ उनको सामाजिक इक्विटी को enjoy नहीं करते दे आर excluded from enjoying द सोशल इक्विटी और उनको बाहर रखा जाता है सोशल equality वो enjoy नहीं करते बहुत ए काज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेज और द पॉवर्टी इन द यूजल के सेंस सोशल आइसकोलेशन जो है वो एक कारण है गरीबी के परिणाम का और यूजल uh, टर्म्स में यूजल सेंस में एक कारण है और परिणाम भी है Broadly, it is processed through which individuals or group are excluded from facilities, or generally the individuals they are kept and excluded from the facilities. or They are kept uh, uh, excluded from uh, all type of facilities, benefits and opportunities that others uh, people enjoy. एंजॉय करते हैं उनको उनसे दूर रखा जाता है ए टिपिकल एग्जाम्पल इज वर्किंग ऑफ़ वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एक टिपिकल एग्जाम्पल से जो भारत में है वो जो है कास्ट सिस्टम का वर्क कास्ट सिस्टम का होना जिसमें लोग जो है जो सर्टेन कास्ट के हैं दे आर एक्सक्लूडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी से बाहर रखा गया है तो पीपल 2000 बिलोंग टू दम एस सी एस टी एंड अदर पीपल्स दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटी सोशल एक्सक्लूस थस मे लीड टू और इसी से सोशल सामाजिक बहिष्कार जो है uh, होता है बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग ए वेरी लो इनकम अगर व्यक्ति की जो लो इनकम है ये और भी ज़्यादा गहरा कारण होता है जो उनको नुकसान पहुंचाता है वललेबलिटी वलनेरेबलिटी यानि कि परेशानी परेशानी होना कष्ट पहुंचना सफ़र होना वलनेरेबलिटी टू पावर्टी जो मेजर्स uh, और पॉवर्टी में जो कष्ट पहुंचा जाता है वो भी एक uh, स्टेप है विच डिस्क्राइब द ग्रेटर पवल्टी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज जो डिस्क्राइब करता है कि कुछ सर्टेन कम्युनिटीज जो हैं दे आर दुअर्न यू कैन से द मेम्बर्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल्स सच एज विडो और फिजिकल एंड हैंडीकैप्टिजीकल एंड पर्सन और सम ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल्स दे बिलोंग टू द

जॉब अपॉर्चुनिटी और वनटी को इस तरह से भी डिटरमाइन किया जाता है कि अगर लोगों के पास जो अलग अलग कम्यूनिटीज के लोग हैं वो दूसरे उनके पास अल्टरनेट्स हैं विकल्प हैं रहने के लिए जैसे कि संपत्ति का होना एजुकेशन होना हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी का होना फर्दर इट इज एनालाइज ऑन द बेस ऑफ द ग्रेटर रिस्क और इसको इस तरह से भी एनालाइज किया जाता है विश्लेषण किया जाता है कि Um, the people though who are at the greater risk uh, these groups face at the time of the natural disaster or you other dangers they are they face um, uh, during the time of the natural disaster like uh, earthquake tsunami terrorism etc they face the uh, dangers additional anal analysis is made or their सोशल एंड इकोनॉमिक एवबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क और अतिरिक्त तो जो विश्लेषण किया जाता है वो uh, सामाजिक और आर्थिक योग्यता के आधार पे किया जाता है कि uh, उस रिस्क को टैकल किया जाता है वास्तव में वलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर पबलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल्स when bad time comes for everybody whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of the job, और ख़ास तौर से जो सफर्ड uh, पीपल्स हैं और दीपल दो सफर्ड फ्राम द पॉवर्टी उनको इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि वो उन, उन लोगों की संभावना ज़्यादा रहती है जो लोग जो है पुअर होते हैं जब कोई डिजास्टर uh, होता है uh, चाहे वो फ्लड हो अर्थ क्विक हो या सिंपली फॉल इन द एबिलिटी ऑफ द जॉब और जो जॉब uh, की उपलब्धता है उसकी कमी होना इन दैट कंडीशन जो है द पीपल्स दे आर एट ग्रेट डेंजर्स